Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. है ना, तो वही हम सब कर रहे हैं कि अभी जो स्पेशल एफर्ट्स गोपी मंगल प्रभु जी हम सबके साथ में ले रहे हैं कि हम दामोदर आरती कर रहे हैं, ये दामोदर अष्टकम गा के उनकी आरती कर रहे हैं, फिर एक स्पेशल हम कुछ उस महीने के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये स्पेशल एफर्ट्स लेने का मतलब ही यह है कि हम मैक्सिमम भगवान की कथाओं के बारे में इस वक्त इस कार्तिक महीने में हम सुने। और बहुत सारे चीजें ऐसी है कि जो इस कार्तिक महीने में करनी चाहिए और करनी नहीं चाहिए। तो हम इतने दिनों से या फिर इतने सालों से कार्तिक महीना जब हर साल आता है तो ये इसके बारे में हम सुनते आ रहे हैं कि भगवान को हमें घी का लैम्प बताना दिखाना है और उसी से उनकी आरती उतर करनी है, और आरती भी किस तरह से करनी है, कौन से नियम को फॉलो करना है, कितने सारे नियम है जो उनको हमें फॉलो करेंगे तो इट्स नॉट कंपल्शन, लेकिन जो अगर हमें ये अपॉर्चुनिटी ग्रैप करनी है तो फॉलो करेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा है। और हम कितने और नए भक्तों से दियो को जलाए, दैट इज ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट। जैसे जैसे हमारा शिला प्रभुपाद इस्कॉन में अगर हम है तो प्रीचिंग इज आर इसेंस, तो अगर हम कितने और नए भक्तों से दिए जला के उनसे हम आरती करवाए, इसीलिए हर टेम्पल में तो दिए रेडी रखे ही रहते हैं कि आओ और मैक्सिमम लोग उसकी अपॉर्चुनिटी ले और उनकी जो स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस है उसको बढ़ाए। दैट इज द मेन कंसेप्ट ऑफ दिस कार्तिक मंथ कि मैक्सिमम लोग उसको उसकी जो है अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाए। जैसे अभी जैसे हम कार्तिक महीने के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ हम जो अभी इस ग्रुप में है 10 लोग है आई थिंक, तो इनमें से कितने लोगों को पता है कि हमारे जो जनवरी फरवरी ये मंथ है उसके मराठी महीनों के या फिर हिंदी महीनों में उसके क्या नाम आते हैं? कोई जानता है पूरे 12 महीनों के नाम? एनीबडी नोज हियर? मैं तो नहीं जानता, एक दो नाम पता है। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष माघ पौष माघ आणि फाल्गुन। वेरी गुड माताजी, वेरी गुड माताजी, बिग हैंड्स फॉर कुंजेश्वरी माताजी। तो करेक्ट माताजी ने एकदम परफेक्ट बताया कि ये है 12 महीने के नाम जो हम मतलब जनवरी फरवरी दिसंबर तक हम जाते हैं वेरी इजीली, लेकिन ये हम पूरे सब नाम नहीं जानते। तो वैसे ही ये तो हुए हमारे जो मराठी महीने हम हिंदी महीने जिसको सनातन में हम कह सकते हैं, वैसे ही वैष्णव गौड़ीय वैष्णव पर संप्रदाय में भी वैष्णव महीनों वैष्णव वैष्णव जनों में 12 महीनों के अलग अलग नाम है, उसके बारे में कोई जानता है? एनीबडी नोज अबाउट द वैष्णव कैलेंडर में जो महीने हैं, जो हम अभी हमने चैत्र वैशाख आषाढ़ ज्येष्ठ आषाढ़ हमने जो गुंजेश्वरी माता जी ने हमें बताया अभी, वैसे ही वैष्णव में भी महीनों के नाम हैं। जो हम 12 तिलक लगाते हैं, मैं बताती हूँ आपको, जो हम 12 तिलक लगाते हैं वही 12 नाम है वैष्णव के महीने में। तो अभी हम देखेंगे तो हम श्री केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः ये जो हम नामों से तिलक लगाते हैं, तो वैसे ही अगर हम ये नाम ऊपर नीचे है, जैसे चैत्र महीने चैत्र जो मास है वो विष्णु उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वैशाख है उसको मधुसूदन लॉर्ड के फॉर्म में वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे त्रिविक्रम वामन श्रीधर ऋषिकेश पद्मनाभ दामोदर केशव नारायण माधव गोविंद, और जब अधिक मास आता है तो उसे हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं। तो वैसे ये कार्तिक मास जो है वो ये जो अभी कार्तिक मास हमारा जो चल रहा है वो उसको कौन रिप्रेजेंट करते हैं? दामोदर। इस कार्तिक मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दामोदर। तो ये आज ही मैंने एक क्लास में सुना था कि ये थोड़ा सा मुझे भी कुछ नया लगा कि
कि हम जो 12 तिलक लगाते हैं उसको हम 12 महीनों के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये थोड़ी सी कुछ नई बात मुझे आज पता चली उस लेक्चर में, एंड वेरी इंटरेस्टिंग कि हम उसको ऐसे भी लिंक कर सकते हैं। तो जो है हम इस्कॉन में आए हैं तो हम शिला प्रभुपाद से जुड़े हुए हैं, इस माध्यम से हम लोग उनको उनके साथ में है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमारे वो लीडर है हम कह सकते हैं। तो शिला प्रभुपाद ने हमें ये सब महीने हैं या फिर ये सब महीनों में कुछ ना कुछ त्योहार आते हैं तो वो हमें सिखाते हैं कि इनको हमें कैसे सेलिब्रेट करना है, क्योंकि हम हमेशा लेक्चर में सुनते हैं कि कार्तिक मंथ में क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, क्या करोगे तो अच्छा है क्या करोगे तो ये इज नॉट प्रॉपर थिंग। तो यहाँ पे जो है लेकिन एक एस्पेक्ट हम हमेशा देख सकते हैं, अलग तरीके से देख सकते हैं इस कार्तिक मंथ को, वो जो है कि शिला प्रभुपाद हमें उसे कैसे बता रहे कि क्या क्यों करना है हमें ये सब कुछ। तो शिला प्रभुपाद जो है वो हमें हर त्योहार सेलिब्रेट करने का एक अच्छा एस्पेक्ट बताते हैं। तो उन शिला प्रभुपाद अगर हम देखें तो हम लोग सांस्कृतिक एक उसका है एस्पेक्ट, एक आध्यात्मिक है, जैसे सांस्कृतिक मतलब हम रिलीजियस एक्टिविटीज करते हैं राइट, जैसे घी का दिया जलाना या फिर जमीन पे सोना राइट, हम उसको रिलीजियस एक्टिविटीज कह सकते हैं। और फिर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज मतलब उसको आध्यात्मिक कार्य के हिसाब से भी हम देख सकते हैं, दैट मीन्स वॉट कि हम धाम जा रहे हैं, धाम की यात्रा कर रहे हैं, टेम्पल में जा रहे हैं, एडिशनल हम सेवा कर रहे हैं, हमारी साधना हमने बढ़ाई हुई है। लेकिन शिला प्रभुपाद उसको और एक एस्पेक्ट देते हैं एंड वो है डिवोशनल, दैट इज भक्तिमय, कि हम भक्तिमय मतलब रिलीजियस काम करना या फिर स्पिरिचुअली उसको उस त्योहार को सेलिब्रेट करना, और उसको और एक एस्पेक्ट शिला प्रभुपाद जोड़ते हैं वो है भक्ति, डिवोशनल एक्टिविटीज करके उस त्योहार को हम कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। जैसे आज ही जब मैं नीचे से आ रही थी तो एक आंटी मिले मुझे, उन्होंने गले में कंठी माला देख के मुझे एक कृष्णा हरे कृष्णा के ऐसे उन्होंने विश किया, ग्रेट किया, और फिर वो कह रहे कि तो इस महीने में ना पारिजात का, मैं वो खुद पारिजात का एक पेड़ लेके जा रही थी, मुझे कह रही थी आप भी घर पे लगाना ये पारिजात का, भगवान कृष्ण को बहुत पसंद है, और ना इस महीने में आंवले की पूजा करते हैं। तो फिर उन्होंने कंठी माला देखी, कहे हाँ तुम्हें तो पता ही होगा, तुम शायद करती ही होगी। तो मतलब ऐसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से कोई ना कोई भगवान विष्णु की कृष्ण की पूजा में लगे हुए है, ये मुझे समझ आई ये बात कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है और इस कार्तिक मन में क्या करना चाहिए। तो लेकिन शिला प्रभुपाद जो है ये रिलीजियस एक्टिविटीज हुई, लेकिन शिला प्रभुपाद हमें इसमें बता रहे कि इसी एक्टिविटीज को डिवोशनल तरीके से मतलब भक्तिमय तरीके से कैसे करना है। तो जो है ये शिला प्रभुपाद क्या करते हैं कि हमें जो इन तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ में त्योहार मनाने का सिखाते हैं, मतलब वैष्णव के इसमें देखा जाए तो हर महीने कुछ ना कुछ त्योहार है ही है। अगर कार्तिक महीने की खास हम बात करें तो इस महीने में दिवाली आती है। दिवाली में यूजुअली हम सभी मतलब मैं तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से पहले दिवाली को धनतेरस से लेके भाई दूज तक हम दिए जलाते थे राइट। धनतेरस वाले दिन से रात में वसुबारस, धनतेरस, फिर लक्ष्मी पूजन, सवेरे उठो दिए जलाओ। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद, इस्कॉन से जुड़ने के बाद मुझे लग रहा है कार्तिक महीने का हर दिन इस दिवाली, क्योंकि हम कार्तिक महीना जब शुरू होता है उसी हर दिन से हम दिया जलाना शुरू करते हैं राइट। तो मतलब इतने अच्छे एस्पेक्ट्स हमें शिला प्रभुपाद ने दिया है कि ये त्योहार तुम सेलिब्रेट कर रहे हो उसको और ऑस्पिशियस कैसे बनाओ और भक्तिमय तरीके से कैसे करो, कैसे बार बार प्रणाम करो। मतलब बहुत सारे जो डिवोटीज मैंने देखा है कि वो प्रण लेते हैं कि दिन में मैं इतनी बार दंडवत करूंगा या करूंगी, है ना। तो ये सब चीजें हमें किन से मिली है, शिला प्रभुपाद जी से मिली है। तो वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल, हमें उनके बहुत आभार मतलब मानने हैं कि ये कार्तिक मंथ जो इसके पहले हम सिर्फ 5 दिन दिए जला के सेलिब्रेट करते थे, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस में जुड़ने के बाद में ये कार्तिक मंथ हम और ऑल 30 डेज दिए जला के सेलिब्रेट कर रहे हैं। हरि बोल। तो ये जो है कि कार्तिक मंथ में हम जो दिए जलाते हैं और उनको उसके साथ में हम जो अभी ये दामोदर अष्टकम जो गा रहे हैं तो वो हमें वो मतलब बहुत सारे पुराण हमें, ये हमें पद्म पुराण से आया हुआ है, तो बहुत सारी पुराण शास्त्र कार्तिक मंथ के महात्म्य से भरे पड़े हुए हैं। मतलब देर आर सो मेनी पॉजिटिव थिंग्स हैज बीन रिटर्न, बहुत सारी अच्छी चीजें कार्तिक महीने के बारे में लिखी है कि ये करो तो हमें
क्या क्या लाभ होंगे, हमारा स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस कैसे बढ़ेगा भक्तिमय कार्य कर डिवोशनल एक्टिविटीज करके, ये हमें ये कार्तिक मंथ से सीखना मिलता है। और आई एम वेरी श्योर कि यहाँ पे हम इतने सारे डिवोटीज जब जुमे हुए हैं तो कोई ना कोई अपनी एडिशनल साधना कर ही रहा होगा, मतलब जो 16 माला कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ एडिशनल माला कर रहे होंगे, जो और डेली 5 पेजेस रीड कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ एडिशनल पेजेस रीड कर रहे होंगे। दैट इज ओनली टू प्लीज कृष्णा, ये सिर्फ कृष्णा की प्रेममयी भक्ति करने का ही एक ये है ना। तो क्योंकि ना कृष्णा जो है वो ये प्रेम भक्ति से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वो भावग्रही है, तो ये प्रेम भक्ति से वो इतने अट्रैक्ट होते हैं। एंड वो कृष्णा जो है वो प्रेम भक्ति से अट्रैक्ट होते हैं, और इसीलिए ना बिकॉज दैट ही इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ डिवोटीज, क्योंकि डिवोटीज इनके ऊपर इतना प्रेम करते हैं। उसका एग्जाम्पल है यशोदा मैया, क्योंकि यशोदा मैया उनसे इतनी प्रेम करती है, उसमें वात्सल्य भाव तो है ही उसमें, लेकिन वो इतना उनसे प्रेम करती है कि वो ही इज अंडर प्रोटेक्शन ऑफ यशोदा मैया। तो इसीलिए भावग्रही भगवान को प्रेम के प्रेम भक्ति से हम जीत सकते हैं, ये कार्तिक मंथ हमें सिखाता है। एंड ड्यूरिंग दिस कार्तिक मंथ अगर हम देखें तो इस कार्तिक मंथ की कथा तो हम जानते हैं सभी, तो मैं उस कथा में नहीं जाऊंगी, लेकिन उस कथा से हम देखते हैं कि उसमें जो भी भक्ति के रस है वो कैसे आते हैं उभर के। अगर हम देखें तो यशोदा मैया का देखें तो वो वात्सल्य रस हमें दिखाई देता है ना। यशोदा मैया ने लल्ला को उन्होंने लिया स्तनपान करने के लिए, फिर जैसे ही वो दूध उफल के आ रहा था उसको उतारने के लिए उन्होंने भगवान जी को नीचे रखा और उनको गुस्सा आया, लेकिन वो जो दूध उफल रहा था वो किस रस का हमें ये देता है, वो शांत रस का हमें एग्जाम्पल हम ले सकते हैं उसको। या फिर जिस उखल से यशोदा मैया ने बांधा था भगवान जी को, तो वो भी एक शांत रस का ही एग्जाम्पल है। फिर जो इस लीला में जब कन्हैया जो है लाला जब माखन खा रहे थे और माखन खुद खाते खाते बंदरों को भी खिला रहे थे, तो उस चीज को हम साख्य रस की तरह से देख सकते हैं, राइट, उसमें उनका साख्य रस आ रहा है। और फिर जब उखल से उन्होंने वो जो दो वृक्ष तोड़े और फिर उसमें से जो जय विजय बाहर निकल आए और वो उनकी लीला का गुणगान कर रहे थे कृष्ण का, तो उसमें से हमें उनका दास्य रस दिखाई देता है। मतलब एक ही लीला में इतने सभी रस जो है भक्ति के वो उभर के आ रहे हैं। एंड कृष्णा इज सो मर्सीफुल, इतने दयालु है वो कि उन्होंने कोई भी चीज, मतलब कोई भी चीज जो उन्होंने कोई भी लीला करी है, जितनी सारी लीलाएं करी है उसमें कुछ ना कुछ उनको हमें सीखने जैसी बात है, मतलब ही वॉन्ट टू से समथिंग, मतलब उसमें कुछ ना कुछ है कि जो उनको बताना है कि हाँ ये सब चीजें करने के लिए मैं इस धरती पर आया हूँ, राइट। तो ये चार रस हम इसमें उभर के देख सकते हैं ये दामोदर मंथ की लीला में। और दामोदर मंथ में जो है हमें पता है कि ये करना है, जब हमें घी के दीप जलाने हैं, सवेरे जल्दी उठकर अगर हम कार्तिक मंथ में महीने में अगर हम जल्दी उठ के मंगल ब्रह्म मुहूर्त के समय में अगर स्नान करते हैं तो हमें सब पावन नदियों में स्नान करने का उसमें भाग्य मिलता है। फिर एडिशनल जो है वो ब्रह्म मुहूर्त के समय अगर हम भगवान का नाम ले तो उसके फायदे है, लेकिन हाँ कार्तिक मंथ में हम जब चैंटिंग करते हैं स्पेशली, तो ये अगर हम हर बारी अटेंटिवली चैंटिंग करने की कोशिश करते हैं सभी, पर स्पेशली कार्तिक मंथ में अगर हम यही चैंटिंग अटेंटिवली करें और ज्यादा मतलब स्पेशली फोकस देके, तो वो ज्यादा हमें इफेक्टिव उसका उसके रिटर्न्स हमें भक्ति के रूप में या फिर भगवान श्री कृष्ण को प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न करने के रूप में हम ज्यादा उनको प्रसन्न कर सकते हैं। तो वो चैंटिंग हमें बहुत अच्छे से करनी है, मतलब बहुत अटेंटिवली करनी बहुत जरूरी है। तो ये दामोदर मंथ में जो है दीपदान करना जो हमने सीखा या फिर भगवान को दीपदान करने के तरीके हमने सीखे या फिर हमने मॉर्निंग उठ के अटेंटिवली चैंटिंग करने की कोशिश की या फिर हम कर रहे हैं सब कुछ वो करें या फिर एडिशनल हम साधना में हमारे कुछ ना कुछ एडिशनल हम अगर करते हैं तो दैट इज मोर बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस एज वी आर इन द हम जो है ये डिवोशनल पाथ में है, तो हमें ये सब चीजें बहुत अच्छे से दूर तक लेके जाएगी। क्योंकि हमें मैंने पिछले बार भी एक क्लास में सुना था कि हमारी जो है
लाइफ इज सो फ्रजाइल, तो पता नहीं हम इसमें इस साल का हम कार्तिक सब देख रहे हैं, पता नहीं अगले साल के कार्तिक में हम हो ना हो, तो यही सोच के हम मैक्सिमम इस कार्तिक मंथ का लाभ उठाए सभी, और हमारा स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस बढ़ाने में इसमें हम ज्यादा उसकी हेल्प ले सकते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल।